हेलो दोस्तों, आज हम लोग टुडे शेयर मार्केट देखेंगे, आज का शेयर बाजार। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी जो है इसमें 32 जो स्टॉक है एडवांस यानी कि क्लोजिंग जो ऐप में बंद हुए हैं, और 18 स्टॉक ओनली जो है आपका डिक्लाइन यानी कि लाल निशान में बंद हुए हैं। ऐसे देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड, आपका NTPC, ITCL, अच्छे अच्छे स्टॉक ने, इंडसइंड बैंक, अच्छे अच्छे बैंक ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे के इस वीडियो में कि जो टॉप 3 जो आज के गेनर रहे वो आपका जो हायर आपका बोल सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट देने वाले वेदांता लिमिटेड 12.44, NTPC, ITC। तो आप देख सकते हो कि जो इनमें हाई जो बना यहाँ पे 165.9 और आपका जो लो बना है 157.5। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एक्चुअली जो लोग रहते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि एटलीस्ट डे के हाई में सेल करें और डे के लो में बाई करें, बट ऐसा होता नहीं है। वो कंसोलिडेशन में आप क्या करना है, एवरेज बाई और एवरेज सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करना है भारतीय एयरटेल पावर के। तो आगे वाले हम लोग वीडियो में देखेंगे ऐसे हम लोग एवरेज बाई एवरेज सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब लूजर, चूंकि रिलायंस में काफी आपका बढ़त बना चुका था तो गिरना भी थोड़ा कंसोलिडेशन होना भी लाजमी सी बात है। तो आगे के दिनों में भी गिरेगा, तो जितना ज्यादा गिरेगा अगर आपको फिर से 1000 के रेंज में आ जाता है तो फिर आप निवेश करने की इसमें सोच सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं ITC 30 आपका 52 वीक हाई जो है आपका 310 और 52 वीक लो जो है आपका 134.6। अब आप यहां पे देख सकते हो कि आज जो ओपन हुआ था 158.45 और जो लो बना है 157.5 और जो हाई आपका गया है 165। तो आखिर जो निवेशक हैं जिसमें 1 year, 2 year, 5 year से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो डिकर से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको पता है कि मार्केट में कैसे हम लोग अर्निंग करने, मतलब कि डे के किस लो में बाई करना और डे के किस रेंज में वो सेल करना। तो अगर आप वन डे का चार्ट देखते हो तो कहीं पर भी आप बाई करते हो, और जो लोग चार्ट को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको पता है कि इफ देर इज बुलिश means it is creating the demand, then it will RSI, it's increasing RSI factor showing the bullish pattern, then it will go up, और हमेशा market जो होता है आपको एक profit देके निकल लेता है। तो हमेशा आप आने वाले दिनों में हमेशा पहले देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपका 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, तो जैसा कि GST जब आपका मीटिंग हुआ था तो उसमें भी अगर गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्री फ्रेंडली न्यूज लेके आते तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता हुआ मिलेगा। तो यानी कि इन्होंने कॉल बाय किया, उसको प्रॉफिट आराम से बुकिंग मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका जो है क्लोजिंग 164.4, हाई जो है आपका 165, आपका लो जो है 158 और आपका जो लो बना है 157.4। तो आप सेल करो, बाय करो, फिर आप बाई करो तो कहीं ना कहीं आपका पैसा बनता हुआ मिलता है। तब देख सकते हो 1% प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट, 3% आप बुक कर सकते हो। कभी भी मार्केट में एवरेज बाइंग एवरेज सेलिंग करते रहिए, आपको मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करके देती है। अभी कैनरा बैंक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन हुआ 78.95, हाई बना है 80, लो बना है 76। अब यहाँ पे अगर मार्केट चाहोगे 4-5% आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। हाई देख सकते हो 300 अप्रॉक्स 296.55। बहुत सारे लोग होंगे जो नए लोग आते हैं वो जस्ट हाई प्राइस जब मार्केट एकदम से पिक रहता है यानी कि आपका सब उसका रेजिस्टेंस प्राइस बना रहता है तब एंटर करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा हम लोग को चार्ट को नए लोग को कुछ पता नहीं, जिन लोगों को जस्ट लगा रहता है कि जब और आ जाएगा यानी कि 300 हो गया तो 310 जाएगा, 320 जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे विप्रो, ITC यानी कि वो लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स में शेयर को मूव करते रहते हैं। तो अब वो बॉक्स का जो रोटेशन पीरियड होगा वो 6 महीने का भी हो सकता है, 1 ईयर का, बट आपका उसी रेंज में। तो आपका क्या, अच्छे स्टॉक में आप निवेश करिए, बट कब करना, सपोर्ट प्राइस पे, और जब सपोर्ट प्राइस पे आप निवेश करते हो तो आप जैसे ही मार्केट आपका रेजिस्टेंस प्राइस पे आ रहा है आप एग्जिट हो जाओ और फिर दूसरे के सपोर्ट प्राइस पे आप मार्केट में एंट्री करो। बस आप स्ट्रेट पैटर्न को फॉलो करो, अप डाउन, आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करने का बहुत ही अवसर मिलता है। और वी हैव टू
टेक मनी फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पर दे सकते हो, सेल करते हो, बाय करते हो, सेल बाय और बाय करके सेल आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो हमेशा मार्केट जो है आपको प्रॉफिट के लिए अवसर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है और वहाँ से प्रॉफिट को बुक करें। अब जो मेरा बेस्ट स्टॉक होता है HDFC, अब कभी भी इनमें ट्रेड करते हो तो हमेशा लगभग आपको चांसेस रहते हैं कि आपके मार्केट से यहाँ से पैसे बनेंगे ही। बाई करिए, सेल करिए, देख सकते हैं 1%, 2%, 3%, 4%। अब यहाँ से अगर सेलर हैवी होता है तो यहाँ पर आप सेलर बनकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट स्टॉक के बाद आपका पैसे बन गए तो मार्केट से आप बायर हो, सेलर बन के सिर्फ ट्रेड का आप क्लोज करना चाहते हो पोजीशन, तो आप एग्जिट कर जाओ। फर्स्ट स्टॉप इज द इंट्राडे बेस्ट होता है, उसके बाद आप बस आप निश्चिंत से न्यूज़ चैनल को फॉलो करो। यहाँ पर हम देख सकते हैं HDFC का लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ओपन हुआ था 1630, हाई बना 6082, लो बना 1587। तो आप यहाँ से भी 2-3% आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। एवरेज होता है जंप या एवरेज आपका मूवमेंट के अनुसार साथ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो आपका भी मार्केट में जब लो बना, बाई करो, सेल करो, बाई करो, सेल करो, आपका प्रॉफिट बनता हुआ मिलेगा। और आज का जो मेन न्यूज है आपका मोदी जी का जो असिस्टेंट पैकेज जो है आपका 20 लाख करोड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की, हर वर्ग को मिलेगी राहत। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक वर्ग के लोग को राहत मिल रही है, तो कहने कहीं ये न्यूज इंडस्ट्री फ्रेंडली है, तो आपको कल मार्केट में बुलिश चार्ट देखने को मिल सकता है। तो दीज आर द रेफरेंसेस फॉर द वीडियो, और मैं आपका स्टॉक ऑथराइज पार्टनर हूँ, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको फ्री ओपनिंग अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं कोई भी अपडेट के लिए, कोई भी वीडियो के रिव्यू के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करिए, जितना ज़्यादा आपको डाउट है आप हमसे पूछिए, वी विल हेल्प यू ऑल योर क्वेरी। थैंक यू दोस्तों।